सनशाइन, आई एम स्वाति। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नाइट स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। तो इस वीडियो में अपना खुद का स्किन केयर रूटीन बताऊंगी कि मैं नाइट स्किन केयर रूटीन में क्या क्या फॉलो करती हूँ। और हाँ, मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी मैं अपलोड करने वाली हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसे भी जरूर देखिएगा गाइस। तो जैसे ही मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे नाइट का भी होता है। और नाइट का स्किन केयर रूटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि नाइट के टाइम हमारा जो पूरा बॉडी है वो हीलिंग प्रोसेस पे रहता है, तो हमारा जो स्किन है वो बहुत जल्दी हील होता है। तो अगर हम रात के टाइम अपनी स्किन को अच्छे से क्लियर करके मॉइस्चराइजर के सोएंगे तो वो बहुत जल्दी हील होगा और हमारा फेस बहुत हाइड्रेट, क्लियर एंड ग्लोइंग बनेगा। तो मॉर्निंग एंड नाइट आपको दोनों स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, ताकि जो आपका स्किन है वो विद इन वन वीक ही आपका जो स्किन है वो बहुत ही ग्लोइंग एंड क्लियर नजर आएगा आपको, आप बहुत हाइड्रेट रहेगा। तो इस स्किन केयर रूटीन को जरूर फॉलो करिएगा गाइस। तो जल्दी से देखते हैं कि मैं क्या क्या यूज करती हूँ अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में और इसे कैसे फॉलो करती हूँ। तो ज्यादा बातें बकबक ना करते वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को अच्छे से ट्राई कर लूंगी, ताकि जो मेरा हेयर है मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो सबसे पहले अपने फेस से जो भी मेकअप है मैं वो निकालूंगी। तो मैं उसके लिए यूज़ किया है मैबेलिन का मेकअप रिमूवर। अब मैं इसे थोड़ा सा अपने कॉटन पे लेके अपने आईज एरिया को अच्छे से क्लीन करूंगी, क्योंकि मेकअप आईज एरिया में बहुत रह जाता है। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन करूंगी, ज़्यादा रब नहीं करना वरना रैशेस आ सकते हैं आपके आईज़ में। अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो। अब मैं अपने फेस को क्लींस करूँगी। क्लींजिंग के लिए मैंने आज फेस वॉश नहीं यूज़ किया है, मैंने आज मिल्क यूज़ किया है, क्योंकि मिल्क से हमारा जो फेस है बहुत डीपली क्लींस होता है। तो मैंने मिल्क में एक चुटकी नमक ऐड किया है, ताकि मेरा जो फेस अच्छे से क्लींस हो जाए। तो मिल्क हमारे फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है और नरिश करता है। तो अगर आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करोगे तो ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा। तो इससे हमारा फेस बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। तो आपको अच्छे से अपने फेस को क्लीन करना है, ताकि जितने भी इम्प्योरिटीज़ है आपके फेस में वो सब वाइप अप हो सके। अब इसे हमें 5 मिनट के लिए अपने फेस पर रहने देना है, जब ये सूख जाए तो इसे हमें वॉश कर लेना है। तो मैंने ये स्पंज की हेल्प से इसे क्लीन कर लिया है। तो आपको इसे रब नहीं करना है, अगर आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो आप देख सकते हो कि आपका फेस कितना क्लियर एंड ग्लोइंग लग रहा है। अब आप टोनर के लिए रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिका कुकुम्बर टोनर। इससे हमारा जो पोर्स है वो बहुत अच्छी तरह से क्लोज हो जाता है। ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए है। अब मैं यूज़ करूँगी सीरम। सीरम के लिए मैंने लिया है लॉरियल मैक्रोएसेंस का सीरम। तो इसे भी मैं 4 to 5 days फिंगर पर लेके इसे टैप मोशन में अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पर। इससे हमारा स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट, स्मूथ एंड ग्लोइंग बनता है गाइस। हम लगाएंगे आई क्रीम। तो आई क्रीम हम घर पे ही बनाएंगे। तो मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिया है और एलोवेरा जेल। तो मैंने दोनों को थोड़ा मिक्स कर लूँगी। मैं 1 to 2 drops ही लूँगी विटामिन ई का। दोनों को मिक्स करके अपने आई एरिया पे इसे अच्छे से लगा लेना है। आप नॉर्मली भी लगा सकते हो एज ए क्रीम जैसा, और आप इसे मसाज भी कर सकते हो। अगर आप मसाज करोगे तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आपका डार्क सर्कल है, पफीनेस है, रेडनेस है आपके आईज़ में, तो ये सब बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो मसाज कर लेने से हमारा जितना भी प्रॉब्लम है आईज़ का वो हट जाता है। तो मैं हमेशा मसाज ही कर लेती हूँ अपने आईज़ में। अगर आपको टाइम ना मिले तो आप सिर्फ क्रीम जैसा भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपका रिंकल्स है तो आप मसाज करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा बहुत जल्दी। तो अच्छे से मसाज कर ले अपने आईज़ एरिया पर। तो मैं रिंग फिंगर की हेल्प से मसाज कर रही हूँ, ताकि अदर प्रेशर ना पड़े मेरे आईज़ पे। अब आती है मॉइस्चराइजिंग की। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने लिया है बायोटिक कोकोनट वाइटनिंग मॉइस्चराइजर। ये ऑल स्किन टाइप है, आप अपना पसंद का या अपना फेवरेट को भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। तो इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। अब लास्ट में मैं यूज़ करूँगी लिप बाम। लिप बाम के लिए मैंने लिया है ओरिफ्लेम का टेंडर केयर लिप बाम। तो मैं इसे अच्छे से मसाज करते हुए अप्लाई करूँगी, ताकि जो मेरा लिप्स है वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रहे। तो मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो आप देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ग्लोइंग एंड क्लियर लग रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटे से जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।